नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आगरा से बड़ी खबर, कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने इस महामारी को पैसा कमाने का बनाया जरिया। प्राइवेट अस्पतालों ने बनाया कोरोना काल में पैसा कमाने का जरिया। निजी अस्पताल में एक कोरोना मरीज के 11 दिन के इलाज का बिल बनाकर दिया 3,61,000 रुपए। मरीज के परिजनों के अनुसार 2 से 2.25 लाख का बताया था निजी अस्पताल ने खर्चा। मरीज के परिजनों ने 2 लाख से ज्यादा देने में जताई असमर्थता, तो पूरा बिल नहीं देने पर अस्पताल ने मरीज को डिस्चार्ज करने से कर दिया इनकार। गरीब पीड़ित परिजन रोते हुए लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार। कासगंज का रहने वाला है गरीब मजदूर परिवार। आगरा के डीएम ने भी प्रतिदिन 10 से 18,000 रुपए से ज्यादा बिल न बनाने के दिए थे हॉस्पिटलों को निर्देश। गरीब परिवार ने लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार। अब देखना यह होगा कि कब तक इस गरीब परिवार की हो पाएगी सहायता। आगरा से मोहसिन खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र सिंह। ये क्या मामला हुआ यहाँ? यहाँ पर सर मैंने 9 तारीख को अपना भाई एडमिट मतलब किया था। 9 तारीख को बोले थे कि 2.25 लाख रुपये मतलब खर्चा आ जाएगा, आपका भाई ठीक हो जाएगा। हमने भर्ती कर दिया, हम पर 40,000 रुपये तो वो मैंने जमा कर दिए मैंने। उसके बाद में मतलब जब मैं आज कल मतलब छुट्टी होने वाली थी तो उन्होंने 3,61,000 का बिल मुझे बता दिया जो हमारे पास है नहीं। वो जो काम मतलब करता था वो अभी कोरोना काल में मतलब वही बीमार पड़ा है, तो काम मतलब कौन करेगा? उसकी छोटी बहू है, छोटा उसका बच्चा है। मैं सीएम योगी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मेरे भाई को छुड़वा दें। आप क्या चाहते हैं? छूट चाहते हैं सर यहाँ से, मतलब जो हमारा भाई यहाँ से छूट जाए, स्वस्थ है स्पिरिट। ये लोग निकल नहीं दे रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं पूरा पेमेंट चाहिए उसके बाद आपका भाई निकलेगा।